सोलन के पार्थ सैनी ने सीबीएसई प्लस टू के परिणामों में भारतवर्ष में तीसरा स्थान हासिल कर हिमाचल का नाम पूरे देश में रोशन किया है। सैनी के माता पिता इस परिणाम से बेहद खुश हैं और फूले नहीं समा रहे हैं और उनका मानना है कि पार्थ को उसकी मेहनत का फल मिला है। पार्थ के माता पिता का कहना है कि पार्थ जिस क्षेत्र में आगे जाना चाहता है वे उसकी सहायता अवश्य करेंगे। सोलन के पार्थ सैनी ने सीबीएसई प्लस टू के परिणाम में भारतवर्ष में तीसरा रैंक हासिल कर हिमाचल का नाम पूरे देश में रोशन किया है। सैनी के माता पिता भी इस परिणाम से बेहद खुश हैं और फूले नहीं समा रहे हैं। उनका मानना है कि पार्थ को उसकी मेहनत का फल मिला है। पार्थ के माता पिता का कहना है कि पार्थ जिस क्षेत्र में आगे जाना चाहता है वे उसके साथ हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें कभी भी पार्थ की पढ़ाई के लिए कहना नहीं पड़ा और पढ़ने के प्रति उसकी रुचि नहीं उसे इस मुकाम तक पहुंचाया है। पार्थ सैनी ने बताया कि वे अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और टीचर्स को देना चाहते हैं जिन्होंने उसे पूरा वर्ष भर अच्छे नंबर लेने के प्रति प्रोत्साहित किया। सैनी ने बताया कि अच्छे नंबर लाने के लिए उन्होंने किसी भी तरह का त्याग नहीं किया है और ना ही वे किताबी कीड़ा बने। पढ़ाई के लिए दोस्तों को भी नहीं छोड़ा और ना ही मोबाइल का उपयोग कम किया, लेकिन वे रोज 6 से 7 घंटे पढ़ते थे और पढ़ाई की अहमियत को मानते थे और उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि भारत में वे तीसरा स्थान हासिल करेंगे, इसलिए वे अपनी इस सफलता से बेहद खुश हैं। उन्होंने ये खुलासा किया कि अंतिम 3 महीने में IT छोड़कर फिजिकल सब्जेक्ट को ही चुना था और इन 3 महीनों में कड़ी मेहनत पे 99 नंबर भी हासिल किए हैं। मेरा नाम पार्थ है और मैंने ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल किया है CBSE क्लास प्लस टू बोर्ड्स में और इस अचीवमेंट से मैं बहुत खुश हूँ। इसका श्रेय मेरे पेरेंट्स को और मेरे स्कूल में टीचर्स को जाता है जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी। अगर कोई भी डाउट्स होते थे तो वो क्लियर कर देते थे एंड दे वर ऑलवेज सपोर्टिव। सब्जेक्ट चेंज इसलिए करना है क्योंकि एक्चुअली आई वॉज नॉट इन टू दैट सब्जेक्ट की, मतलब मुझे वो पढ़ना ही है। फिजिकल वॉज रिलैक्सिंग सब्जेक्ट की जिसमें मैं रिलैक्स कर सकता था जाके, तो इसलिए मैंने फिजिकल चूज़ करा। स्कूल में अभी हम जाके आए, सिस्टर से मिले और टीचर से मिले, वो बहुत खुश थे, वहाँ पे भी बस बहुत अच्छा माहौल है। पार्थ के माता पिता भी इस मौके पर खुश नजर आए और उसकी सफलता के लिए पार्थ के अध्यापकों का धन्यवाद भी किया। मेरा नाम सुरेश सैनी है और मैं HFCL चंबाघाट में एज ए डिप्टी मैनेजर जॉब करता हूँ। मेरा बेटा पार्थ सैनी जिसने CBSE बोर्ड में 3rd रैंक हासिल किया है, हमें बहुत खुशी है और हम चाहते हैं कि ये जो भी इसका आगे जो मेजर एम है कि मैंने BTech किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करनी है, हम इसको उसको कराने में पूरा योगदान देंगे और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आगे इसी तरह ये अच्छे रैंक में सफल होगा। बहुत प्राउड हो रहा है अपने बेटे के ऊपर, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना रैंक ले पाएगा। तो 12-1 बजे के बाद कंटिन्यू लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, इस मीडिया से उस मीडिया से सारे मीडिया से। स्कूल में गए, स्कूल में प्रिंसिपल ने भी कहा कि बहुत आई एम वेरी प्राउड ऑफ मिस्टर पार्थ सैनी और हमने टीचरों ने भी बहुत प्राउड ऑफ फील किया। हमें उम्मीद है कि स्कूल का नाम भी ऊँचा हो और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी पार्थ ऐसे ही रैंकिंग लेता रहे। स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि उनके स्कूल में 105 विद्यार्थियों में सभी पास हुए हैं और पार्थ सैनी ने भारत में तीसरा स्थान हासिल कर स्कूल का नाम भी रोशन किया है। आउट ऑफ 105 स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड, दैट ऑल 105 हैव क्लियर्ड। सो आई थैंक गॉड एंड ऑल्सो आई थैंक फॉर माई स्टाफ and the children especially. I congratulate each and every child for the hard work they have put in and God has blessed their efforts richly and bountifully and Path Saini has topped our school and he has obtained 497 out of 500, English 99, Physics 99, Chemistry 100, Maths 100, Physical Education 99. Actually, everyone is very cooperative. My teachers are an asset to me and my parents are also asset and they are very cooperative and they collaborate in every aspects of our school. So I have to congratulate and thank my parents and my teachers for their full and
कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन विद द मैनेजमेंट एंड विद द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ. Parth Saini is a very sober student and a very excellent, and I can say he's a very thinking student, I can say. Very much focused on his life. That is why he could do to this extent. तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम. फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ. आप जुड़े रहिए एच टुडे के साथ. नमस्कार.